दोस्तों, जब हमारा अहंकार नियंत्रण में नहीं होता तब हम भी इसी प्रकार की गलती करते हैं, तब हम भी डर के साय में जीते हैं। और यदि आप भी इस डर से निकलना चाहते हैं, इस डर से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं और अपने हर एक बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस कहानी के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि आपका निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण होता है, जिससे आपका पूरा जीवन बदल सकता है। आप अधिक सोचने की बीमारी से बच सकते हैं। गुरु के बार बार बोलने के बाद भी शिष्य गुरु की बात को टालता रहा और देखते ही देखते एक दिन शिष्य और उन गुरु की जान पर बन आई। शिष्य ने गुरु से कहा, हे गुरु, ये मेरी ही गलती है जिसके कारण यह सब हो रहा है। आप मुझे सजा दीजिए गुरुवर, आप मुझे सजा दीजिए और मुझे यह भी समझाइए कि आखिर हम कामों को क्यों टालते हैं। गुरु ने कहा, नहीं, इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं समझाऊंगा, बल्कि इस बार तुम खुद ही अपने मन के भीतर झांको, खुद को जानो और मुझे भी उपदेश दो कि आखिर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के जरूरी काम को क्यों टालता है। दोस्तों, ये कहानी गुरु और उनके दो शिष्यों की है। गुरु और शिष्य पहाड़ की तलहटियों में एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। एक दिन गुरु ने अपने दोनों शिष्य को अपने पास बुलाए और उनसे बोले कि शिष्य, हमारे पास जो आटा है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है और बहुत ही जल्द बरसात का मौसम भी आने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कल ही गांव के लिए निकल जाओ और गांव से आटा लेकर आओ। दोनों शिष्यों ने गुरु की बात मान ली और अगली सुबह सूरज निकलते ही वह गांव की ओर निकल पड़ी। लेकिन कुछ ही समय के बाद वह दोनों शिष्य आश्रम में वापस लौट आए। आश्रम में वापस आने के बाद गुरु ने अपने उन शिष्यों से पूछा, तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे लौट आए? क्या तुम लोग आटा लाए? तब उन शिष्यों ने कहा, नहीं गुरुदेव। तभी वह गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं, आखिर तुम लोग खाली हाथ क्यों लौट आए? उन दोनों शिष्यों में से एक शिष्य कहता है, हे गुरुवर, गांव की ओर जाने के लिए जो नदी हमें पार करनी होती है उस पर जो पुल बना है वह काठ का पुल है और वह काठ का पुल पूरी तरह से झरझर हो चुका है। यदि हम उस पर चलकर जाएंगे तो इससे हमारे ऊपर खतरा हो सकता है, हमारी जान भी जा सकती है। तभी वह गुरु अपने उन दोनों शिष्यों से कहते हैं, तो क्या तुम किसी और रास्ते से गांव नहीं जा सकते थे? उस पर उनका एक शिष्य गुरु का जवाब देते हुए कहता है कि हे गुरुवर, दूसरा रास्ता बहुत लंबा और बहुत कठिन है और मैंने कई लोगों से यह कहते हुए सुना है कि उस पुल की मरम्मत बहुत जल्द होने वाली है और मुझे लगता है कि हमें पुल के ठीक हो जाने का इंतजार करना चाहिए। शिष्य का जवाब सुनकर गुरु ने अपने दूसरे शिष्य की तरफ देखा जो बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल शांत खड़ा था। वह अपने गुरु के किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि अभी वह इस समस्या के समाधान के बारे में सोच रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। तभी एक बार फिर से उन गुरु ने अपने दोनों शिष्यों से कहा, आटा बहुत जल्द खत्म होने वाला है, तुम दोनों को गांव जाना चाहिए और जल्द से जल्द गांव से आटा लेकर आना चाहिए, अन्यथा हम सभी को भूखा ही सोना पड़ेगा। गुरु की आज्ञा पाकर वे दोनों शिष्य अगले दिन फिर से गांव जाने के लिए निकल पड़े और फिर कुछ ही देर के बाद पहला शिष्य वापस लौट आया। जब गुरु ने उसके वापस आने का कारण पूछा तब वह शिष्य गुरु से कहता है, हे गुरुवर, अभी तक पुल की मरम्मत नहीं हुई है और वहां के आसपास के लोग यही कह रहे हैं कि पुल की मरम्मत का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा क्योंकि पुल बनने का कार्य शुरू हो चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें और थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। अपने शिष्य के मुख से यह बात सुनकर गुरु शिष्य से पूछते हैं कि तुम्हारा गुरु भाई कहाँ है?
कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, वह कहाँ चला गया। तब वह शिष्य गुरु की बातों का जवाब देते हुए कहता है कि हे गुरुवर, वह तो लंबे रास्ते की ओर गया है। वह रास्ता बहुत कठिन और बहुत लंबा भी है, और सबसे मुश्किल की बात यह है कि हमने कभी भी उस रास्ते पर सफर नहीं किया। वो रास्ता हमारे लिए अनजान है, जिस कारण उसे कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ सकती है। वह तो फालतू में परेशान हो रहा है। पुल का काम तो बस जल्द ही खत्म हो जाएगा और फिर मैं खुद जाकर गांव से आटा ले आऊंगा। शिष्य की यह सारी बातें सुनकर वह गुरु कुछ नहीं बोले। गुरु चुप रहे और देखते ही देखते कुछ दिन और बीत गए। 7 दिन बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया जब आटा पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। तब गुरु ने अपने उस पहले शिष्य से कहा कि तुम अभी के अभी जाओ, अन्यथा बारिश के मौसम में हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। वह शिष्य गुरु की बात सुनकर तुरंत ही गांव की ओर निकल पड़ा और कुछ देर बाद वह शिष्य फिर से वापस लौट आया। जब गुरु ने शिष्य से वापस आने का कारण पूछा, तब शिष्य ने बड़े उदास मन से गुरु से कहने लगा, हे गुरुवर, मुझे क्षमा करें, पुल तो बनकर तैयार है लेकिन इतनी बारिश हुई जिसके कारण वह पुल फिर से टूट गया। नदी में बाढ़ आ चुकी है, चारों तरफ पानी ही पानी है, और सुनने में ये आ रहा है कि जिस लंबे रास्ते की आप बात कर रहे थे वह लंबा रास्ता भी अधिक पानी के कारण बंद हो चुका है। मुझे माफ करें गुरुवर, मेरे कारण आज आपको भूखा सोना पड़ रहा है। उस रात वह शिष्य और गुरु दोनों ही भूखे सो गए, और फिर 2 दिन बाद वह दूसरा शिष्य गांव से वापस लौट आया। वह शिष्य अपने साथ आटा के साथ और भी खाने की सारी सामग्री भी ले आया था। यह देखकर पहला शिष्य तुरंत दौड़ता हुआ गुरु के पास गया और कहने लगा, हे गुरुवर, मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें गुरुदेव, क्योंकि मेरी ही गलती के कारण आपको 2 रात भूखा सोना पड़ा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मेरा गुरु भाई आ चुका है और वह आटा के साथ बाकी खाने की बहुत सारी सामग्री भी लेके आया है। यदि वह जल्दी नहीं लौटता तो बहुत मुसीबत हम लोगों को उठानी पड़ती। हे गुरुवर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसका मुझे दंड दीजिए और मुझे उपदेश भी दीजिए। तब वह गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने पहले शिष्य से कहते हैं, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। इसलिए अब तुम ही अपनी गलती के बारे में सोचो, और ध्यान रहे कि इस बारे में बहुत गहराई से सोचना। आखिर क्यों तुम इतना जरूरी काम को टालते रहे? आखिर एक इंसान का मन जरूरी कामों को क्यों टालता रहता है? और जब तुम इस प्रश्न का जवाब जान लेना तब तुम मुझे उपदेश देना, यही तुम्हारी शिक्षा और यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। गुरु की आज्ञा अनुसार वह शिष्य सोचता रहा। वह पूरी रात सो नहीं पाया। पिछले 7 दिन के अंदर बीती हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने गुजर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह इतना जरूरी काम को क्यों टालता रहा। यही सोचते सोचते काफी समय बीत गया और आखिरकार उसे गहरी नींद आ गई। और जब वह सुबह उठा तो सबसे पहले ध्यान करने बैठा। ध्यान करते वक्त जब उसका मन शांत हुआ तब उसके मन में एक दृश्य प्रकट हुआ। उस दृश्य में देखा जीवन शक्ति, अर्थात उसके गुरु जो उसे बार बार संकेत दे रहे थे कि उठो, आगे बढ़ो, कार्य को पूरा करो। लेकिन वह तो सिर्फ बाहरी कारण ही देखता रहा, अर्थात वह नदी जिसमें बाढ़ आने के कारण वह पुल पूरी तरह से टूट चुका था, जिन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। वह तो झूठी उम्मीद लगाए बैठा था कि यह पुल जब तैयार हो जाएगा तब वह गांव जाकर खाने के लिए आटा लेकर आएगा। आटा अर्थात वह समय जो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था, और आखिर में उसे यह दिखाई दिया कि मैं ही वो इंसान हूं
जो अपने मन के वश में आकर इन जरूरी कार्यों को टालता रहा। वह तुरंत ही ध्यान से उठा और उसने सारी बातें अपने गुरु को बताई। इस पर वह गुरुदेव मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने सूक्ष्म दृष्टि से इस ज्ञान को हासिल किया है, इसलिए तुम और गहरे ध्यान में उतरो, तुम्हें अवश्य इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। शिष्य एक बार फिर से यह सोचने लगा कि आटा लाना अत्यधिक जरूरी था, फिर भी मैं क्यों टालता रहा। अब वह शिष्य एक बार फिर से ध्यान में बैठ गया और तब उसने यह महसूस किया कि हमारा बड़बोलापन ही हमारे बुद्धि के विपरीत कार्य करता है और शांति में ही उत्तर प्रकट होते हैं। अर्थात जब भी हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उससे पहले हम बाहरी कारण को देखते हैं, क्योंकि हमारा मन बहुत आलसी है, सिर्फ उसे आराम चाहिए, जिस वजह से वो तरह तरह की तरकीबें खोजता है, तरह तरह के बहाने खोजता है ताकि हमें वह कार्य ना करना पड़े, और इसी कारण वह तरह तरह के उत्तर भी प्रकट करता है। लेकिन जब हम एक जगह शांति से बैठ जाते हैं और समस्या पर विचार करते हैं तो हमें उसका उत्तर जरूर मिलता है। वह कुछ देर और इसी तरह ध्यान में बैठा रहा, तभी उसके भीतर एक आवाज आई कि मन कठिन काम को इसलिए टालता है क्योंकि उसे भीतर ही भीतर यह लगता है कि वह इस कार्य को नहीं कर सकता, यह कार्य करके उसे कोई लाभ नहीं होने वाला है, जिस कारण वह हमारे अंदर तरह तरह के बहाने पैदा करता है और हम उस कार्य से बचना चाहते हैं, इसी कारण हम उस कार्य को टालते रहते हैं। तभी वह शिष्य एक और बात का अनुभव किया। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि जिस लंबे रास्ते की बात गुरुदेव कर रहे हैं वह रास्ता बहुत ही कठिन और लंबा है, उस रास्ते पर मैं नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं मेहनत करने से बचता था, मैं उस लंबे रास्ते से गांव जाने से बचता था। कुछ देर और शांत रहने के बाद वह शिष्य अपने आप ही अपने मन से ही कहता है, शायद उस रास्ते के जंगल से भी मुझे कुछ डर लग रहा था जहां पर चोर और जंगली जानवर रहते हैं, इसी कारण मेरा मन कम जोखिम उठाने वाले रास्ते को अपनाना चाहता था, अर्थात वह पुल, और इसी कारण मैं उस पुल के बनने का इंतजार कर रहा था। तभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि काम टालने के पीछे जो डर होता है वो हमारे अंतर मन में ही छुपा होता है। ध्यान में और गहराई में उतरने की वजह से उस शिष्य ने एक और दृश्य देखा। उस दृश्य में उसने यह देखा कि जो सबसे कम जोखिम वाला रास्ता था, अर्थात वह पुल जो सफर शुरू होने के पहले तो दिखता है, जिसमें हमें यह एहसास होता है कि हम बहुत जल्द उस कार्य को कर लेंगे, यह कार्य इस पुल के द्वारा बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता में वह पुल हमारे डर का ही एक प्रतिबिंब होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें खुद पर ही शक है, हम अपने आप पर ही विश्वास नहीं कर पाते कि हम लंबे रास्ते को भी तय कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वास्तविकता में यदि आप इसकी गहराई तक जाएंगे तो आपको इसका एक ही जवाब मिलेगा। असल में कोई भी व्यक्ति किसी काम को नहीं टालता, बल्कि एक व्यक्ति खुद को आगे बढ़ने से रोकता है, नए सफर पर चलने से खुद को रोकता है, खुद को नई मंजिल पाने से रोकता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी छोटे रास्ते से आगे बढ़ सकें तो ये आपको अनुभव और आपके बुद्धि के कारण ही मिल पाएगा। हमारी बुद्धि और अनुभव ही वो पुल है जो हमारे सामने शॉर्टकट के रूप में प्रकट होता है। इतना सब जानने के बाद वह शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अब की बार वह गुरु के पास नहीं गया, बल्कि उसने अपने आप से ही एक और सवाल किया कि आखिर इस डर के बारे में मैं पहले क्यों नहीं सोचा, जब मैं उतने जरूरी कार्य को टाल रहा था, तब मैं अपनी इस गलती का एहसास क्यों नहीं किया। तभी उसके भीतर से एक और आवाज आई और वह यह थी कि यह तो हमारे मन के शांत होने पर ही संभव है, क्योंकि जब हमारा मन शांत नहीं होता
तब हम किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं ले पाते। जब हमारे मस्तिष्क पर कोई डर हावी होता है, परिस्थितियां हावी होती हैं, तो हम कभी भी मन को शांत नहीं रख पाते और यही कारण है कि हम उन परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं, उन डरों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। इसलिए डर का असली कारण अर्थात कार्य को टालने का कारण भी पहचान नहीं पाते। तभी वशिष्ठ ने खुद से कहा, यदि मैं उस डर का कारण समझ जाता तो मैं उस दूसरे शिष्य के साथ जरूर जाता, या फिर किसी और व्यक्ति को लेकर मैं आटा लेने के लिए अवश्य जाता, लेकिन इस कार्य को कभी टालता नहीं। इतना सब जान लेने के बाद वह शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और उसने गुरु से कहा, हे गुरुवर, 2 दिनों तक शांत रहने के बाद मैंने इस प्रश्न का जवाब जान लिया है कि आखिर मेरे काम टालने के पीछे क्या कारण था। इस पर वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, तो तुमने क्या जाना? वो शिष्य कहता है कि हम मनुष्य के भीतर किसी भी काम को करने से पहले मन के भीतर एक डर होता है और उसी डर के कारण हम काम को टालते हैं और इसी कारण हम किसी भी कार्य को करने से बचना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें उस कार्य को करना है तो हमें शांत रहकर अपने मन से इस डर को निकालना होगा, तब हम उस कार्य को आसानी से कर सकेंगे, तभी हमारे भीतर वो क्षमता और वो शक्ति भी जागृत होगी जिससे हम बड़ी से बड़ी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इस पर वह गुरुदेव मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, अब मुझे यह बताओ कि कार्य टालने की इस आदत से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। गुरु का यह प्रश्न सुनकर वह शिष्य वहीं पर शांत बैठ गया और कुछ देर शांत रहने के बाद उसने गुरु के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि हे गुरुवर, डर का असली कारण अहंकार है और जब तक अहंकार है तब तक इंसान सीमित अवस्था में ही सोच सकता है और तब तक इसे किसी न किसी प्रकार का डर बना ही रहेगा और इसी कारण कोई भी व्यक्ति अपने आप को खुद ही आगे बढ़ने से रोकता रहेगा। किंतु जितना हमारा मन शांत होता जाएगा उतना ही हम अपनी सांसों के प्रति सचेत होते जाएंगे और उतने ही आसानी से हम अपने ऊपर हावी हुए उस डर को भी देख पाएंगे और उतनी ही आसानी से हम उस काम को टालने से भी बच पाएंगे। शिष्य के मुख से यह जवाब सुनकर गुरुदेव मुस्कुराने लगे, तो उसके बाद गुरु वहां से चले गए। वह शिष्य भी इस बात से पूरी तरह संतुष्ट था, वह अपने जवाब से पूरी तरह संतुष्ट था। उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और वापस चला गया। दोस्तों, जब हमारा अहंकार नियंत्रण में नहीं होता तब हम भी इसी प्रकार की गलती करते हैं, तब हम भी डर के साए में जीते हैं। और यदि आप भी इस डर से निकलना चाहते हैं, इस डर से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं और अपने हर एक बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, आप निर्णय लीजिए जिससे आपका पूरा जीवन बदल सकता है, आप अधिक सोचने की बीमारी से बच सकते हैं और आप अपने हर डर पर काबू पा सकते हैं। ये थी आज की कहानी दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।